नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का टिकट कटने के बाद बेटी ने एक वीडियो अपलोड किया है और वीडियो अपलोड कर एक बात पूछी है। दरअसल फतेहपुर चौरासी से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी यानी कि संगीता सेंगर का टिकट कटने के बाद उनकी बेटी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति दोषी हो तो क्या पूरे परिवार को जीने का अधिकार नहीं? क्या वो भी दोषी हो गया? अगर किसी की पत्नी या पिता दोषी हैं तो क्या उसे कोई अधिकार नहीं? महिलाओं के अधिकार आखिर कहाँ हैं? रामपुर के बिलासपुर में भाजपा के लोगों द्वारा सपा के प्रत्याशी उज्ज्वल दीदार सिंह उर्फ साबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे पिपियाली गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे नाराज सपा के लोगों ने बिलासपुर थाने के बाहर ही सभी समाजवादी पार्टी के लोग रात में ही धरने पर बैठ गए और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक सहित कई लोगों पर साजिशन फंसाने और रामनगर बूथ को कैप्चर करने का गंभीर आरोप लगाया है। हरदोई जिले में चल रहे त्रिस्तरीय चुनाव की वोटिंग में जहां पूरे जिले में आला अफसर और सरकारी तंत्र शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में जुटा था, वहीं वोटिंग के दौरान ही पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अतरजी मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान को लेकर 2 घंटे तक जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने दंगा किया, मतपेटियों में पानी भरने के साथ ही मतदान केंद्र पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई और पुलिस बल पर भी हमला किया गया, जिसमें एसपी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को इस दौरान हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में मंडी चौराहों पर अग्रवाल मार्केट है, जहां पर एक चोर दुकानदार की मार्केट के गोदाम से रिफाइंड का टीन चोरी करके ले जा रहा था। उसी दौरान दुकानदार और मार्केट के दुकानदारों ने चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दुकानदार के साथ मिलकर चोर की पिटाई कर दी और रिफाइंड का टीन भी अपने पास जमा कर लिया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मथुरा में महिला पुलिस ने मानवता दिखाई है। थाना कोसीकला में तैनात महिला सिपाही शालिनी ने ये मानवता दिखाई। महिला सिपाही शालिनी ने अज्ञात व्यक्ति के शव को दाह संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की है। लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते समय मुखाग्नि देते हुए महिला सिपाही शालिनी का फोटो वायरल हो रहा है। महिला सिपाही शालिनी की मुखाग्नि देते हुए फोटो को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी ज्यादा वाहवाही मिल रही है। प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों को पुलिस ने दबोचा है। अवैध कारोबारी में लिप्त 3 लोगों को पकड़ा गया। छापेमारी में 51 गैस सिलेंडर और 523 पासबुक बरामद हुए हैं। मणिपुर थाना की पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बदायूं जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल तक बदायूं में 461 कोरोना पॉजिटिव केस थे। कल देर रात आई रिपोर्ट में 109 और पॉजिटिव केस सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है। जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में L2 अस्पताल की शुरुआत कर दी गई है। इसमें मरीजों के लिए फिलहाल 140 बेड की व्यवस्था है। कानपुर देहात में आगे की दोनों टायर फटने से अनियंत्रित होकर शताब्दी बस पेड़ से टकरा गई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई पार हो गई। बस में 4 लोग सवार थे, सभी को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के मानपुर नेशनल हाईवे का ही पूरा मामला। पीलीभीत में कोरोना वायरस एक बार फिर से दुगनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। जनपद में 66 नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।